हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की एक न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों का बजट रेंज 20,000 के आसपास है, इस प्राइस रेंज में आप बेस्ट फ्लैगशिप टॉप नॉच लेवल वाला स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको सारे फीचर जो एकदम फ्लैगशिप लेवल वाले देखने को मिल जाएं, लाइक आपको किसी भी फीचर के अंदर कंप्रोमाइज करना ना पड़े, तो दोस्तों आप ये वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, तीनों स्मार्टफोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं, बिकॉज तीनों स्मार्टफोन अपनी प्राइस के हिसाब से, अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से और अपने स्पेक्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। आप अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा स्मार्टफोन भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। ओके दोस्तों, इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है Xiaomi की तरफ से 11i हाइपरचार्ज 5B। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको किसी फीचर के अंदर कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मोबाइल फोन के अंदर आपको AMOLED 6.67 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। 86.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। नो डाउट डिस्प्ले के अंदर आपको अल्ट्रा फ्लेक्सिबल लेवल वाला लाइक फील आने वाला है, बिकॉज आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, तो स्मूथनेस तो फील होने ही वाली है। मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 920 6 नैनोमीटर के साथ आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको कोई भी मोबाइल फोन के अंदर लाइक लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मोबाइल फोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। LED फ्लैश लाइट वगैरह, HDR पैनोरामा जैसे सारे फीचर बेसिक आपको मोबाइल फोन के रियर कैमरे में देखने को मिल जाएंगे। 4K/30 FPS तक में आप मैक्सिमम वीडियो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा। 1080p/30 FPS में आप फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल फोन के अंदर आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड USB Type-C 2.2। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी आपको मोबाइल फोन के अंदर सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 120 वॉट का वायर्ड फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मोबाइल फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम भी देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3 या 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मोबाइल फोन के अंदर आपको AnTuTu स्कोर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लाइक 375,528 के आसपास आपको इस स्मार्टफोन का AnTuTu स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, बात करते हैं मोबाइल फोन की कुछ बिल्ड क्वालिटी के बारे में। मोबाइल फोन की बैक में आपको ग्लास पैनल देखने को मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश। मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्ले के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 204g का वेट, 8.3mm की थिकनेस। मोबाइल फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा लाइक स्लिम और लाइट वेट देखने को मिलेगा, साथ ही मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा इनहैंडफील्ड प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अंडर 20,000 में आप Xiaomi 11i हाइपरचार्ज 5G को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है Realme की तरफ से Narzo 50 Pro। दोस्तों, अगर आपको Realme का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं अंडर 20,000 में, जिसके अंदर आपको किसी फीचर के अंदर कंप्रोमाइज करना ना पड़े, तो डेफिनेटली आप Narzo 50 Pro की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर जो प्रोवाइड कराए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर देता हूं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको सुपर AMOLED 6.4 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 84.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 920 6 नैनोमीटर के साथ आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है। Realme UI 3.0 के साथ आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको इस स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। मोबाइल फोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप 1080p/30 FPS तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p/30 FPS तक में फ्रंट से भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन के अंदर आपको स्टूडियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाता है, 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाता है, तो आप इजीली ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2
USB Type-C 2.0 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 33 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जर के साथ। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कलर स्कीम देखने को मिलती है, हाइपर ब्लू, हाइपर ब्लैक, ये दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनहैंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 181 ग्राम का वेट, साथ ही मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 8mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फ्लैगशिप फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं इस प्राइस पॉइंट पर। डेफिनेटली अगर आपको रियलमी का स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं अंडर 20,000 में, आप नार्जो 50 प्रो की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों बेस्ट प्राइस लिंक इस स्मार्टफोन के भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इस लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों ये रहता है वीवो की तरफ से T1 Pro। बहुत सारे लोग जो है वीवो के स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो दोस्तों अंडर 20,000 में डेफिनेटली आप वीवो T1 Pro की तरफ जा सकते हैं। क्यों? सारे फीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। सारे फीचर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों मोबाइल फोन के अंदर आपको AMOLED 6.44 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, 85.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, तो काफ़ी ज़्यादा साइड बेजल भी आपको पतली देखने को मिलेंगी। डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, डेफिनेटली डिस्प्ले आपको अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल की देखने को मिली जाती है। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, फनटच 12 एंड एंड्रॉयड वर्जन 12 पर बेस्ड है, तो आपको काफ़ी पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है। आप इजीली अल्ट्रा HD में गेमिंग, मल्टीटास्किंग, लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे, आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 1080p/30fps में आप मोबाइल फ़ोन के रियर कैमरे से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, 1080p/30fps में आप फ्रंट से भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों ब्लूटूथ वर्जन 5.2, USB Type-C 2.0 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 66 वॉट का वायर्ड फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, टर्बो ब्लैक, टर्बो शान, ये दो कलर ऑप्शन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे मोबाइल फ़ोन के अंदर फीचर जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं इस प्राइस पॉइंट पर। अब बात करते हैं ओवरऑल मोबाइल फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। मोबाइल फ़ोन की बैक फ्रेम प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले के अंदर आपको फ्रंट में ग्लास की प्रोटेक्शन, 180.3 ग्राम का वेट, 8.5mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है। इन हैंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर ये तीनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, जिसके मैंने आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर दिए। तीनों स्मार्टफोन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों तीनों स्मार्टफोनों में से आप अपनी चॉइस है, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको स्मार्टफोन पसंद है तो आप परचेज कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।